बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल क्लास फिफ्थ एंड सिक्स्थ, योर कन्वर्सेशन पीरियड, एंड आई एम साबरीन योर कन्वर्सेशन टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एसे वन सिलेबस। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसे वन इज लेसन नंबर 7। द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज संडे इज अ स्पेशल डे। ओके, सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 16 फॉर द चैप्टर। So the topic of your chapter is Sunday is a special day. Sunday एक ख़ास दिन होता है। Okay, I start reading from here. बच्चों, आप लोगों को रीडिंग बहुत ध्यान से सुननी है, और ध्यान से सुनने के बाद इसकी चैप्टर की जब मैं आपसे इंस्ट्रक्ट करती हूँ तो रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है। ओके, ताकि आप लोगों का प्रोनंसिएशन करेक्ट हो सके, आप लोगों की रीडिंग बहुत पर होती जा रही है। ओके, सो लिसन केयरफुली। Sunday is a special day. निकी, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप ऑन संडे? निकी पूछती है। निकी और रिंकी की कन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पर। सो सबसे पहले निकी की कन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है। निकी पूछती है, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप ऑन संडे? रविवार को तुम किस समय उठती हो? रिंकी, बीइंग अ हॉलीडे आई गेट अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे। अवकाश होने के कारण मैं रविवार को सुबह 8 बजे उठती हूँ। कौन आंसर देता है? रिंकी। ओके, निक्की अगेन निक्की दोबारा क्या पूछती है? व्हाट डू यू जनरली हैव फॉर ब्रेकफास्ट ऑन संडेज? सामान्यतः रविवार को नाश्ते में तुम क्या खाती हो? सो रिंकी आंसर्स, ऑन संडेज माय मदर कुक्स अ स्पेशल ब्रेकफास्ट। रिंकी कहती है, रविवार को मेरी माता जी एक विशेष नाश्ता बनाती हैं। निकी, डू यू हैव अ स्पेशल लंच ऑल्सो? निकी क्या पूछती है, क्या तुम दोपहर को भी विशेष खाना खाती हो? रिंकी, नो, जनरली वी हैव फ्रूट्स एंड सैलड इन आवर लंच। रिंकी बताती है, नहीं, सामान्यतः हम दोपहर के भोजन में फल और सलाद खाते हैं। निकी, डज योर मदर प्रिपेयर स्नैक्स फॉर द इवनिंग? निकी पूछती है, क्या तुम्हारी माता जी शाम के लिए अल्प आहार बनाती हैं, यानी स्नैक्स, जो थोड़ा सा हम कुछ खा लेते हैं, उसे खाना नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? स्नैक कहते हैं। तो निकी पूछती है, डज योर मदर प्रिपेयर स्नैक्स फॉर द इवनिंग? तो रिंकी बताती है, यस, हाँ, माय मदर प्रिपेयर स्पेशल होममेड स्नैक्स एंड ड्रिंक इन द इवनिंग। हाँ, मेरी माता जी शाम के लिए घर के बने विशेष अल्पाहार तथा पेय पदार्थ बनाती हैं। जैसे शाम में हम कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं ना, उस तरह से। निक्की, व्हाट डू यू डू ऑन संडे इवनिंग्स? अब निक्की पूछती है, रविवार की शाम को तुम क्या करती हो? रिंकी क्या जवाब देती है? ऑन संडे इवनिंग्स, संडे की शाम को, रविवार की शाम को, समटाइम्स वी गो टू अ मूवी और अ फेयर। कभी कभी हम फिल्म या मेले में जाते हैं। वी ऑल्सो कॉल और विजिट आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम अपने मित्रों व संबंधियों को भी बुलाते हैं या उनके घर जाते हैं, है ना? आप लोग भी इस तरह से करते होंगे। संडे में ज़्यादातर हम लोग अपने फ्रेंड्स से या रिलेटिव्स से मिलने जाते हैं, या फिर कोई फ्रेंड या रिलेटिव हमसे मिलने आ जाते हैं। ओके, निकी, व्हाट्स द टाइम टू वॉच टीवी ऑन संडे? निकी पूछती है, रविवार को टीवी देखने का समय क्या है? रिंकी, वी वॉच टीवी इन द मॉर्निंग एंड देन इन इवनिंग। रिंकी बताती है, हम सुबह और फिर शाम को टीवी देखते हैं। निकी, व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट? निकी, तुम रात को सोने कब जाती हो? रिंकी, यूजुअली आई गो टू बेड एट 9 PM। रिंकी बताती है, सामान्यतः मैं रात 9 बजे सोने चली जाती हूँ। सो इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन टाइम। एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों को मैंने कर दिया है, अब आप लोग क्वेश्चंस भी देखिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में आएंगे। देखिए, पहला मैंने जो इसमें टिक लगाए हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं, और जो पॉइंट लगाए हैं, ये इनके आंसर्स हैं। अब इसमें हमें थोड़े से चेंजेस आंसर्स में करने पड़ेंगे, लेकिन आंसर्स रहेंगे यही। देखिए, मैं पढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन है, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप ऑन संडे? तो हम यहाँ पर यू कट करके हम क्या करेंगे? निक्की। कौन उठता है संडे में? निक्की। ओके, तो एट व्हाट टाइम निक्की गेट अप ऑन संडे? तो इसका आंसर यही रहेगा, बीइंग अ हॉलीडे
यहाँ पर आंसर में आई की जगह क्या हो जाएगा, निक्की हो जाएगा। बीइंग अ हॉलीडे निक्की गेट अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन अ संडे। ये आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू, अब यहाँ भी हम यू की जगह क्या करेंगे, रिंकी। व्हाट डू यू जनरली हैव फॉर ब्रेकफास्ट ऑन संडेज, व्हाट डू रिंकी जनरली हैव फॉर ब्रेकफास्ट ऑन संडेज। सो आंसर में क्या कहेंगे, ऑन संडेज रिंकीज मदर, माई मदर की जगह हो जाएगा रिंकीज मदर। ऑन संडेज रिंकीज मदर कुक्स अ स्पेशल ब्रेकफास्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, डज योर मदर प्रिपेयर स्नैक्स फॉर इवनिंग, तो यहाँ पर योर मदर की जगह हो जाएगा रिंकीज मदर। डज रिंकीज मदर प्रिपेयर स्नैक्स फॉर द इवनिंग, तो आंसर आएगा येस रिंकीज मदर, माई मदर की जगह आ जाएगा रिंकीज मदर, प्रिपेयर स्पेशल होम मेड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स इन द इवनिंग। फोर्थ क्वेश्चन, वॉट डू यू डू ऑन संडे इवनिंग्स, तो वॉट डू यू की जगह रिंकी आ जाएगा। वॉट डू रिंकी डू ऑन द संडे इवनिंग्स, तो आंसर में आएगा ऑन संडे इवनिंग्स समटाइम्स वी गो टू अ मूवी और अ फेयर, वी ऑल्सो कॉल रिंकी, वी की जगह क्या हो जाएगा रिंकी, दूसरे वाले बी की जगह भी रिंकी। ऑन संडे इवनिंग समटाइम्स रिंकी गो टू अ मूवी और अ फेयर, रिंकी ऑल्सो कॉल और विजिट हर, अवर की जगह हो जाएगा हर। ओके, अवर की जगह यहाँ हो जाएगा हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो ये आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो आप लोगों को इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब आप लोग मुझसे ये ना पूछिएगा कि मैम इसमें कौन से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, गुड बाय।